साइबर सिटी में बिल्डरों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला M3M गोल्फ स्टेट का सामने आया है। M3M गोल्फ स्टेट के निवासियों ने अलग अंदाज में बिल्डर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ रेजिडेंट काले कपड़े में नजर आए। M3M के निवासियों की माने तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बिल्डर उन्हें परेशान कर रहा है। बिल्डर इस कदर मनमानी पर उतर आया है कि ना तो RWE का गठन करने दे रहा और ना ही मेंटेनेंस के लिए लिए जा रहे पैसों के इस्तेमाल की जानकारी रेजिडेंट्स को दे रहा। जी मैम, एक बार नाम बताइए। आई एम कविता मुंजल, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ M3M गोल्फ स्टेट एंड आई वुड लाइक टू स्टेट दैट द प्रॉब्लम्स कमिंग हियर दैट वी आर फेसिंग इज बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर RWA। इफ वी गेट अ प्रॉपर RWA वी वुड बी एबल टू डील विद द बिल्डर इन अ प्रॉपर वे। द बिल्डर विल नॉट हैव हिज वे डूइंग एनीथिंग दैट ही वॉन्ट्स। मैम एक बार नाम बताइए। हाय, मेरा नाम सुमिता है। मैं M3M में रहती हूँ। हिंदी में बोलेंगे? M3M गोल्फ स्टेट में रहती हूँ, टावर 9 में। नहीं मैं बोल सकती हूँ। एंड हम सब ने यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव फ्लैट्स हैं। आप ये M3M जो है गुड़गांव की जॉब सोसाइटीज में आती है। सब ने यहाँ पर एक लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जीने के लिए अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं। बहुत महंगे अपार्टमेंट्स हैं हमारे और हम लोग को बहुत प्रोमिसज किए गए थे जब हमने बाय किए थे और बहुत अच्छी चलती थी सोसाइटी। अब धीरे धीरे बिल्डर हमसे हमारी फैसिलिटीज लेते जा रहे हैं। हमारी जिम को डिसइंटीग्रेट करके अलग अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है। इस समय हमारी आज की प्रोटेस्ट इस बारे में है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जो M3M में हैं, जो कि हमारे रेजिडेंट्स उठाना चाहते हैं। हमने लीगल केसेस भी फाइल करे हैं और अगर अभी वाला करंट इशू जो है जिसमें बिल्डर अपनी मनमानी कर हमारी जिम को 2-3 हिस्सों में बांटकर गलत सलग जगह पर सेटल करना चाहते हैं, अगर उन्होंने वो हमारी बात नहीं मानी, हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, आज उनको मैसेजेस भी भेजे हैं, अगर तो हम धरने पर भी बैठेंगे, हम न्यूज़ में भी जाएंगे, हम पूरी तरह से इसका ऑपोजिशन करेंगे। एक बार सर नाम बताइए प्लीज। मैं आलोक खंडेलवाल हूँ। सर आज कितने करोड़ का फ्लैट है और इतने करोड़ों का अगर फ्लैट लेने के बाद भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो क्या कारण रहा? कारण यही है कि बिल्डर ने अपनी मनमानी मचा रखी है और हमारा घर होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हम टेनेंट्स की तरह रह रहे हैं। हमारी कोई RWA नहीं है, हमारा कोई से नहीं है पूरे प्रोसेस में। हमारा जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस का पैसा है कहाँ जा रहा है हमें सब कुछ नहीं पता। और उसके बाद बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स अंदर ही लॉन्च करे जा रहा है जिससे हमारा सुपर एरिया कम होता जा रहा है। हमारी फैसिलिटीज बेच के और कमर्शियल एक्टिविटीज करी जा रही है जिससे हमारा जो कैम है वो भी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। हमारी फैसिलिटीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है।